नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको YouTube से पैसा कमाना है तो आज के वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आपको अगर YouTube से पैसा कमाना है ना तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इस वीडियो में आपको YouTube पर कैसे स्टार्ट करते हैं और कहां पर पहुंचने के बाद आपको पैसा मिलता है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मतलब अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट वीडियो है। जो भी देखेगा उसके बाद आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यूट्यूब से अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, मेरी हर बात को गांठ बांध लेना। यूट्यूब से आखिर लोग पैसा कैसे कमाते हैं और कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम YouTube से पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरएस तोमर, स्वागत है आपका आज की एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों देखिए, आपको YouTube से पैसा कमाने के लिए एक टॉपिक को विचार करना पड़ता है, जैसे एक नीच सिलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे कैटेगरी समझते हो। मैं टेक्निकल कैटेगरी में काम करता हूँ, यूट्यूब टिप्स में, यूट्यूब फेसबुक इन सारी चीज़ों की मैं टिप्स देता हूँ, सोशल मीडिया पर लोगों की मदद करता हूँ कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको YouTube से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस कैटेगरी का मैं बादशाह हूँ, इस कैटेगरी में मैं काम कर सकता हूँ, और फिर उसी कैटेगरी के आपको अपना बेस्ट देकर लगभग 5 से 10 वीडियो बनाकर रखने होंगे, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो उस कैटेगरी में आपको एक बार पहले ट्राई करना पड़ेगा। 5 से 10 वीडियो आप जिस भी कैटेगरी में काम करें, लाइक कॉमेडी बनाएं या फिर ब्लॉगिंग करें, तो उससे रिलेटेड अच्छे से एडिटिंग करके 5 से 10 वीडियो आपको बना के रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना होगा अपना चैनल पहले नहीं बनाने। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो चैनल पहले ही बना लेते फिर कॉन्टेंट उनको समझ में नहीं आता है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चैनल आपको नहीं बनाना है, आपको पहले वीडियो बनाना है। आपको वो चीज़ें यूट्यूब पर सीखनी है कि एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो शूट कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर हर चीज़ को सिखाने के लिए वीडियो बने हुए हैं, उनको देखकर आप हर चीज़ सीख सकते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको आप सीख सकते हैं। तो आपको यही करना है, पहले वीडियो बना के रख लेने हैं जिस कैटेगरी में आप काम करो, उसके बाद आपको बनाना है चैनल। अब मान के चलो आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास 10 से 12 वीडियो का स्टॉक तो है। आप एक वीडियो डेली डालोगे तब भी आपके पास 10 से 12 दिन का आपको टाइम मिलेगा। अब वो जो टाइम आपको मिलेगा उस टाइम में आप अपना और वीडियो शूट करिए, बैठिए मत कि हमारे पास स्टॉक है तो हम बैठे रहें, नहीं, और कॉन्टेंट बनाइए, ठीक है। आपको यूट्यूब चैनल बनाकर फिर अपने यूट्यूब पर वीडियोज़ डालने होंगे। लेकिन YouTube चैनल कैसे बनाते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से चैनल बना लेते हैं। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से डालते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक मिल जाएगा कि वीडियो यूट्यूब पर कैसे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ हैं ये दो वीडियो, ठीक है। आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं और चैनल कैसे बनाते हैं। बाकी चलिए अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखो वीडियो डालने के बाद आपको अपने वीडियो में लगाना होता है थंबनेल, और वीडियो को हमेशा अनलिस्टेड करके डालना, आपको डायरेक्ट सीधा पब्लिक करके नहीं डालना है यूट्यूब पर। आपका वीडियो हमेशा जब भी यूट्यूब पर अपलोड हो हमेशा अनलिस्टेड में हो, अनलिस्टेड मोड, चाहे आपका चैनल बड़ा हो छोटा हो, मैं स्टार्टिंग वालों की बात कर रहा हूँ, तो आपका वीडियो हमेशा आपको करना है अनलिस्टेड फॉर्मेट में अपलोड, ठीक है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए अपलोड, उसके बाद आपको पब्लिक करना है। अब देखो अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं, जैसे आपने 10 से 12 वीडियो बना के रख लिए, लेकिन एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी होगी, उन वीडियो जो आप बनाए हैं ना उनसे पहले, आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से पहले आपको वीडियो के लिए थंबनेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप वीडियो शूट कर लो अपनी, अब उस वीडियो में से कुछ फोटोज वगैरह निकाल के जो भी आप जैसे भी कर सके आपको थंबनेल बनाना हो, और थंबनेल कैसे बनाते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो मतलब तीन वीडियो बता रहा हूँ, थंबनेल कैसे बनाएं, चैनल कैसे बनाएं और वीडियो अपलोड कैसे करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना, आपका काम बच जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब देखो यूट्यूब से हमें कमाना है पैसा, हमने चैनल बना लिया वीडियोस का, हमारे पास स्टॉक भी है, वीडियो अपलोड भी कर दिया, थंबनेल भी लगा दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन जब अपलोड करोगे तो वहीं पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टाइटल कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं। अब बात करते हैं कि यूट्यूब से आखिर पैसा कैसे आएगा। अब आपको आपका नया चैनल है, आपको कोई जानता नहीं, तो बहुत कम चांस है कि आपकी किसी वीडियो को कोई देखे, तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी स्टार्टिंग में प्रोवाइड करनी है। मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, जैसे आप तो अपने वीडियो डाल ही रहे हो, अब बीच में कोई वायरल हो गया, उसका ट्रेंड चल रहा है, तो उसको उसके साथ अगर आप बना सकते हैं वीडियो वहाँ पर जाकर या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको ज़रूर अपने वीडियो में लाइए या फिर उस टॉपिक को कवर करिए किसी भी तरीके से, तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका वो वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसको लोग देखना पसंद करते हैं, वो तुरंत से वायरल हो जाती है। तो जैसे आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं तो बीच बीच में ट्रेंडिंग टॉपिक को भी कवर करिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक को आप कवर करोगे, अच्छी बात है, इसी प्रोसेस को करते करते आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। 10 मिलियन व्यूज आपको लाने पड़ते हैं 90 दिन में, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग लॉन्ग वीडियो पे काम करना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो पर कुछ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा व्यूज लेकर आओगे तब इतना पैसा मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, तो मैं आपको वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे, मतलब तब आपका चैनल ऐसा होगा कि हाँ यूट्यूब जो रेवेन्यू कमा रहा है आपके वीडियो से वो आपके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद अपने चैनल को कर लेना है मोनेटाइज। अगर आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कंटेंट आपका ओरिजिनल होगा, तो आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपको अपने चैनल पर जो भी वीडियो बनाने हैं वो आपके खुद के आपके ओरिजिनल वीडियो होना चाहिए, किसी और का वीडियो डाउनलोड करके चैनल पर पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, जब आप अपने चैनल पर वीडियोस डालो उस पर एड आए, तो समझ लो आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। बाकी आपके YT स्टूडियो में जब आप अप्लाई कर दोगे तो खुद ही दिखा देगा कि भैया ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है, यहाँ पे आपका रेवेन्यू का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपका जो भी पैसा मिलेगा वो अपडेट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, गौर से समझिएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने मिस कर दी ना, तो फिर बाद में आप कहोगे यार भाई सही चीज़ें उनको बताई। देखो आपको जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आपको अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के जल्दी से जल्दी $10 कंप्लीट करने होंगे। $10 समझते हो, $10 मतलब लगभग 830 रुपये। जब $10 कंप्लीट हो जाए तो वेरिफिकेशन होता है गूगल एडसेंस का, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद उधर से गूगल एडसेंस पिन आपके एड्रेस पे आता है, जब आप उसको अप्लाई कर दोगे, $10 कमा लोगे, तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर पाओ। जब आप अप्लाई कर दोगे तो उधर से आपके पास गूगल एडसेंस पिन आएगा, फिर आप अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई करके अपने चैनल पे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ उसमें लगा के बढ़िया तरीके से चैनल को कर लेना है कंप्लीट। उसके बाद करना है आपको अपने चैनल पे काम, दे वीडियो। जब आपके वीडियोस वायरल होंगे, अच्छे खासे व्यूज आएंगे, जितना भी आपका पैसा बनेगा वो सीधा आपके खाते में आएगा। ये है प्रोसेस चैनल बनाने से लेकर क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा झमेला नहीं है, ज़्यादा लोगों को लगता है यार बहुत ज़्यादा कठिन काम है, तो ज़्यादा कठिन काम नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।